चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द स्विंग इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 0.75 मीटर एंड 2 मीटर द रेस्पेक्टिवली इट्स अप्रो क्या है मैक्सिमम स्पीड। मेरी बात समझे, स्विंग का मतलब समझ रहे हो, सेटिंग आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से स्विंग कर रहा है, ठीक है, और इस तरीके का मैं बना लूं क्या सबसे बढ़िया रहे, यहां से ये से अगर मैं ग्राउंड मान लेता हूं, यहां से इसकी मिनिमम हाइट कितना बोल रहा है जी 0.75 मीटर बोल रहा है और इसकी मैक्सिमम हाइट कितना बोल रहा है 2 मीटर। तो पार्टिकल ऐसे ऐसे नहीं करेगा, स्विंग करेगा, है ना, वो इधर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो हम एक साइड से सॉल्व कर लेते, मान लो यहाँ पर आ रहा, अच्छा जब यहाँ पर आ रहा तो ये रेफरेंस पॉइंट मारते हैं हम लोग, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे हम लोग जीरो, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी मैक्सिमम। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, नहीं तो ये और ऊपर नहीं चला जाता, ऐसे जा रहा, ऐसे भी समझ सकते हैं, पेंडुलम से भी समझ सकते हैं, जैसे ये पार्टिकल है और ये ऐसे SHM कर रहा है, स्विंग कर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से, मेरी बात समझे कि नहीं, मतलब जैसे भी समझना चाहें। और इसकी ये जो हाइट होगा हमारा, ये कितना होगा 2 माइनस 0.75, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2.00 0.75, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा जी 5 और 9 2 1.25 आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए, अब हमको इसे बहुत सिंपल तरीके से करना है, यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं स्पीड मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम स्पीड जो होगा वो कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे होगा, इसे मीन पोजीशन बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं इसको, SHM में काफी डीपली डिस्कस करूंगा, है ना, तो ये इतना समझ लीजिए बस, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, वी मैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो मान रहा हूँ, यहाँ पर जब ये गया है हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या जीरो हो गया है, हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना होता है जी एम जी एच, मेरी बात समझी। और यहाँ ये एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2gh, मेरी बात समझी। तो वी की वैल्यू कितनी है जी की वैल्यू कितना लेना है इसमें, कुछ बताया है नहीं बताया, तो 10 लेते हैं हम लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 1.25, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा जी 12.5, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर की वैल्यू 25, तो वी की वैल्यू रूट में 25, तो बाहर जब निकलेगा तो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड, मेरी बात समझे। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, बी ऑप्शन करेक्ट।